मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है हुब्बे रसूल के तकाजे। जाहिर बात है कि कोई मुसलमान ऐसा नहीं होगा कि जो मुद्दई न हो कि उसे हुजूर से इंतहाई मोहब्बत है, बल्कि जो अवाम है मुसलमान वो चाहे बेअमल हों लेकिन उनमें जो हमीयत और गैरत रसूल के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उनकी हुर्मत पर कट मरने के लिए तैयार रहते हैं, तो इससे मैं समझता हूं कि कोई शख्स भी महरूम नहीं है। लेकिन इस हुब्बे रसूल के तकाजे क्या हैं, इनको समझने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि हम तो अपने तई ये समझते रहे कि हम बहुत आशिक रसूल हैं, मुहिब्बे रसूल हैं, लेकिन आखिरत में जाकर कयामत के दिन हम पर राज खोले कि नहीं, अल्लाह को तो ये शय कबूल नहीं है, तुम्हारा दावा रद्द। इस जमीन में मैं सबसे पहले आपके सामने एक फार्मूला रखना चाहता हूं। देखिए, इस्लाम का तकाजा क्या है? अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, ये बुनियाद है। हाकिम मुतलक अल्लाह है, शारे हकीकी अल्लाह है और उसके नुमाइंदे की हैसियत उसके रसूल को हासिल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इससे जो इन्हिराफ करेगा, मैंने अभी आपके सामने सूरह आल इमरान की दो आयतें पढ़ी हैं। قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله। ऐ नबी, इनसे कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरा इत्तेबा करो, मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारी खताएं भी बख्श देगा। वल्लाहु गफूर रहीम, और अल्लाह तो गफूर भी है रहीम भी है। अतीउल्लाह व रसूल, कह दो इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। फ़इन तवल्लौ, फिर अगर वो इससे रूगरदानी करें, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, तो अल्लाह को ऐसे काफिर पसंद नहीं है। यानी इताअत रसूल से इनकार, अल्लाह की इताअत से इनकार, गोया कि इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो गया। कभी कोई खता हो जाए, गलती हो जाए, गुनाह का सुदूर हो जाए और इंसान फौरन तौबा कर ले, फौरन रुजू करे, पशेमानी उसे हो जाए, अज़्म मुसम्मम कर ले दोबारा मैं नहीं करूंगा, तो अल्लाह बख्श देगा। इन्नमत तौबतु अलल्लाह लिल्लज़ीन यअमलून सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन करीब, सूरह निसा में फरमाया। अल्लाह के जिम्मे है उन लोगों की तौबा कबूल करना। इन्नमा तौबतु अलल्लाह, अल्लाह के जिम्मे है। जो कहीं गलती से, जहालत में, नादानी में, जज्बात से मगलूब होकर कोई गलत काम कर बैठते हैं लेकिन फौरन तौबा करते हैं, अल्लाह की जनाब में रुजू करते हैं, फौरी तौबा अगर हो जाए तो फौरन अल्लाह ताला की मगफरत जो है ढांप लेते हैं। लेकिन अगर मुस्तकिल तौर पर किसी एक मासियत पर भी डेरा डाल दिया जाए, मसलन आज की दुनिया में जो बहुत बहुत कॉमन शय है, सूद जिसे अल्लाह ने हराम करार दिया, जिस पर अल्लाह की तरफ से ऐलान जंग है, फाज़लू बिहर्मी मिन अल्लाह व रसूलही, तो सुन लो, अल्टीमेटम है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से, उसे अपने कारोबार का मुस्तकिल जुज बना लिया, तो एक गलती, एक गुनाह भी इंसान को हमेशा के लिए जहन्नुम में डाल सकता है। बला मन कसब सय्यतन व अहातत बिही खतियतुहु फौलाए कसाबुन नार हुम फिहा खालिदून, क्यों नहीं, किसी ने जानबूझकर एक बड़ा गुनाह कमाया, छोटे छोटे गुनाह जो है, गुनाह सगीरा, वो तो खुद ब खुद भी धुलते रहते हैं, अल्लाह की रहमत से साफ होते रहते हैं। लेकिन किसी ने कबीरा गुनाह कमाया, जानबूझकर किया और फिर उस पर डेरे डाल दिए और वो गुनाह उसके घर घेरा कर बैठा, अहाकत में ही खतियत हो,
फौलाए का साबुनार हम फिया खालिदून, तो वह है जहन्नमी और उसमें हमेशा रहने वाले। तो इताअत अल्लाह की, इताअत रसूल की, ये तो इस्लाम का बुनियादी मुतालबा है। अगर ये भी नहीं है तो फिर कुछ नहीं, अगर ये नहीं तो बाबा फिर सब कहानियां। अब जरा इससे कदम ऊपर उठिए, इताअत के साथ मोहब्बत, जब अल्लाह की इताअत के साथ अल्लाह की मोहब्बत जमा हो जाएगी तो इसका नाम है इबादत। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के जो शागिर्द रशीद हैं हाफिज इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इबादत की डेफिनेशन की है। इबादत क्या है? अल इबादत व तजमाउ असनैन, दो बुनियादी चीजों को जमा करने से इबादत वजूद में आती है। गायत अल हुब व गायत अज़ुल्ल वल खुज़ू, हर दर्जे की अल्लाह की मोहब्बत और हर दर्जे में अल्लाह के सामने गोया कि पस्त हो जाना, झुक जाना, बिछ जाना, इंतहाई इताअत, इंतहाई मोहब्बत। इंतहाई में क्यों कह रहा हूं, सूरह बकरा के 20वें रुकू की पहली आयत है, वल्लज़ीन आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह, और जो लोग साहिब ईमान होते हैं वो शदीद तरीन होते हैं अल्लाह की मोहब्बत में। बाद में ये तो मुस्बत अंदाज है, मनफी अंदाज में जो आयत आई है वो बहुत सख्त वईद वाली है, वो मैं बाद में आपको सुनाऊंगा, तिलावत मैंने की है। फार्मूला ये है, अल्लाह की इताअत जमा शदीद मोहब्बत बराबर है इबादत के। और ये इबादत जो है हमारा मकसद तख्लीक करार दिया गया। सूरह ज़ारियात की ये आयत आप में सदरात के इल्म में होगी, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर सिर्फ अपनी इबादत के लिए। यह हमारा मकसद तख्लीक है। इसमें से इताअत वाले हिस्से का की सही तर्जुमानी की शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी तो आई है इताअत के लिए, बंदगी के लिए, गुलामी के लिए, अब्दियत के लिए। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अगर अल्लाह की बंदगी ही नहीं है तो सरासर शर्मिंदगी है, ये और कुछ भी नहीं। तो अल्लाह ताला की इबादत जिसके लिए हमें पैदा किया गया, इसी की दावत तमाम रसूलों ने दी, या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, ऐ मेरी कौम के लोगों अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा नहीं है। हजरत नूह की दावत भी यही थी, हजरत हूद की भी यही थी, हजरत सालेह की भी यही थी, हजरत शुएब की भी यही थी। बस फर्क क्या है कि पहले रसूल आते थे अपनी अपनी कौमों की तरफ सिर्फ, लिहाजा आपको इन रसूलों के जिम्मन में मिलेगा या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, ऐ मेरी कौम के लोगों अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह की परस्तिश करो, उसी को अपना महबूब असली बनाओ और उसके हर हुक्म की इताअत करो, या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर, क्योंकि आपकी बेइज्जत है पूरी नौ इंसानी के लिए, तो अब या कौमे का लफ्ज नहीं रहा, या अय्युहन्नास, ए लोगो, ए बनी नौ इंसान, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ए लोगो इबादत करो, बंदगी करो, परस्तिश करो अपने उस रब की जिसने तुम्हें भी पैदा किया और जो तुमसे पहले थे उनको भी पैदा किया ताकि तुम बच सको। ये क्यों कहा दोहराकर, तुमसे पहलों को भी पैदा किया, इसलिए कि अक्सर और बेशतर गुमराह लोग मुशरिकीन क्या कहते थे अपने रसूलों से कि हम तो बस जी अपने आबा व अजदाद के रास्ते पर चलेंगे, मां वजदना अलैहि आबाना, जिस तरीके पर, जिस तर्ज अमल पर हमने अपने आबा व अजदाद को पाया है हमने उसी पर चलना। तो वाजे कर दिया, तुम भी मखलूक हो, वो भी मखलूक थे, तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान थे, तुमसे भी गलती हो सकती है, उनसे भी हो सकती थी। लिहाजा ये उसूल नहीं है कि जो भी आबाव अजदाद की रीतें हैं, रस्में हैं, तरीके हैं और जो उनके अकीदे हैं उन्हीं को आप लेकर चलें।
बल्कि आप तो तलाश करें सही अकीदा क्या है, सही जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, उसको इख्तियार करें। या अय्युह अन्नास उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बच जाओ जहन्नम की आग से। ये जो मैंने बताया कि इताअत कुल्ली, हमा तन हमा वक्त हमा वजूह, जुज़ी इताअत नहीं, बस ये जरा नोट ऑफ कॉशन है। अगर हम अल्लाह का एक हुक्म मानेंगे एक नहीं मानेंगे, ये जुज़वी इताअत है, ये अल्लाह को कबूल नहीं है। अल्लाह की तरफ से तो यूं समझिए कि पैकेज डील है, टेक इट और लीव इट, लेना है तो पूरा लो वरना दफा हो जाओ, अल्लाह को तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें अल्लाह की जरूरत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ्फा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में दाखिल होना तो पूरे के पूरे हो, अधूरे नहीं। और सूरह बकरा की आयत नंबर 85 के अंदर तो जो वईद आई है, अफतूमिनूना बिबाज़िल किताबि व तकफुरूना बिबाज़, क्या तुम हमारी किताब हमारी शरीयत के कुछ हिस्से को मानते हो और कुछ को रद्द करते हो। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, तो जो कोई भी तुम में से ये रविश इख्तियार करेंगे उनकी कोई सजा इसके सिवा नहीं है, कान खोल कर सुनिए, उनकी कोई सजा इसके सिवा नहीं है कि दुनिया में जलील व ख़ार कर दिए जाए और क़यामत के दिन युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, शदीद तरीन अज़ाब में झोंक दिए जाए। वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून, अल्लाह गाफिल नहीं है, बेखबर नहीं है, लाइल नहीं है उससे कि जो तुम कर रहे हो। तुम अपनी दाढ़ियों के तूल से अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, तुम अपने पायजामों को टखनों से ऊपर रखे अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते कि तुम बहुत मुत्तबे रसूल हो, तुम अपने उम्रों और हजों से अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, अल्लाह को मालूम है कि हराम की कमाई से हज किया है तुमने, हराम की कमाई से उम्रा किया है। तो ये जो जुज़वी इताअत है कोई इताअत नहीं, अल्लाह को कबूल नहीं। आदमी सोचता है कि चलिए मैंने ये काम अच्छे किए ये बुरे किए, मुझे अच्छे कामों का कुछ क्रेडिट भी तो मिलना चाहिए ना, लेकिन नहीं, अल्लाह कहता है जुज़वी इताअत मुंह पर दे मारी जाएगी। और जो दुनिया की सजा है वो तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, 130 140 या 150 करोड़ मुसलमान दुनिया में, अंदाजा कीजिए। लेकिन हमारी राय की कोई अहमियत है? बैनुल अक़वामी मुआमलात में कोई हमसे मशवरा लेता है क्या? आपका क्या ख्याल है? कसनमी पुरुषद के भैया कीश्ती, ऐसे भी मुल्क थे कहना चाहिए, अब तो उनका हाल पतला है, दौलत के अंबार थे उनके पास, लेकिन उनका मजाक उड़ता था मगरबी ममालिक, वो चाहे सऊदी बादशाह हो और चाहे वो यूएई के अमीर हो, मजाक ही उड़ता था भाई, कोई हैसियत नहीं। हालांकि कितना बड़ा रकबा है, इंडोनेशिया के आखिरी जजीरों से लेकर मौरितानिया तक सॉलिड इस्लामी आबादी, मुसलमान आबादी। आप कहेंगे कि ये भारत जो है इसमें तो अक्सरियत तो नहीं है, लेकिन 15 करोड़ या 18 करोड़ तो आदमी यहां मौजूद है, लेकिन कोई इज्जत कोई हैसियत दुनियावी बैनुल अक़वामी सतह पर? बहरहाल यहां भी हैं लोग, खाते पीते लोग हैं, उनकी अपनी कुछ इज्जत है अपने माशरे के अंदर, लेकिन बहसियत उम्मत बहसियत कौम क्या हैसियत हमारी है? तो इल्ला खिज़्युन फिल हयात दुनिया, वो तो हमारी निगाहों के सामने मौजूद है। अब क़यामत के दिन के बारे में जो धमकी अल्लाह ने दी है, वह यौमल क़यामत युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, क़यामत के दिन शदीद तरीन अज़ाब में झोंक दूंगा, इस पर अल्लाह से माफी तलब की जा सकती है, दुआई की जा सकती है, अल्लाह हम पर रहम फरमाइए। ये मैंने आपके सामने रखा है फार्मूला, अल्लाह की इताअत जमा अल्लाह की मोहब्बत, दे गो टू मेक इबादत, यही दो अल्फाज आते हैं अल्लाह के रसूल के लिए भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल की इताअत, यह तो इस्लाम का बुनियादी तकाजा है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, फइन तवल्लौ फइन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन,
इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की। फिर अगर ये मुंह मोड़ ले तो अल्लाह को ऐसे काफिर बिल्कुल पसंद नहीं, तो कुफर का फतवा हो रहा है। लेकिन अल्लाह के रसूल की इताअत के साथ मोहब्बत को जमा कीजिए। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई है, हुजूर ने फरमाया ला युमनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन। तुम्हें से कोई शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसे महबूब तर ना हो जाऊं, अपने बाप से, अपने बेटे से और तमाम इंसानों से। तो अल्लाह के रसूल की इताअत जमा उसकी मोहब्बत। इस मोहब्बत के जिम्मन में एक वाकया याद आया जिससे अंदाजा होगा कि किस कदर अपनाइयत थी, कितना कुर्ब था हुजूर के और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के माबेन। एक मरतबा हुजूर दरियाफ्त करते हैं हजरत उमर से, उमर तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है। अब आप सोचिए, जरा सा भी मुगायरत का बारीक सा पर्दा भी अगर कहीं हो तो क्या यह सवाल किया जा सकता है? तो इंतहाई करीबी शख्स से ही किया जाएगा, तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है। अर्ज किया, आप मुझे दुनिया के हर इंसान से बढ़कर अजीज हैं। फरमाया, और अपनी जान से। अब जरा सा तवक्कुफ किया हजरत उमर ने, अलान हाँ अब मैं ये भी कहता हूं कि आप मुझे मेरी जान से ज्यादा अजीज हैं। तो हुजूर ने फरमाया, अब आए हो मकाम मतलूब पर। तो रसूल की इताअत जमा मोहब्बत, इसका नाम है इत्तेबा, पैरवी करना। फर्क क्या है? इताअत की जाती है हुक्म की और पैरवी की जाती किसी के नक्शे कदम की, चाहे उसने हुक्म दिया हो चाहे ना दिया हो, जो वो करता हो करना, यह है इत्तेबा। इताअत से बहुत बुलंद शय हो गई। मिसाल के तौर पर ये छोटी छोटी मिसालें, असल इत्तेबा क्या है वो मैं बाद में अर्ज करूंगा। कोई एक सहाबी बद्दू बाहर से आए, एक ही दफा हुजूर को देखा। हुजूर उस वक्त इस हालत में थे कि आपके बटन जो है खुले हुए थे गरीबान के। उन्होंने फिर सारी उम्र अपने गरीबान के बटन नहीं लगाए। मैंने अल्लाह के रसूल को इस हाल में देखा है, मैं तो उनकी पैरवी करूंगा। हुजूर ने कोई हुक्म तो नहीं दिया था। तो ये जो मोहब्बत, शदीद मोहब्बत के तहत जो बात आएगी उसका नाम इत्तेबा है। और उस इत्तेबा का मकाम क्या है वो आयत में सुना चुका हूं आपको। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह। नबीन से कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरा इत्तेबा करो, मेरे नक्शे कदम पर चलो, मेरी पैरवी करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम अल्लाह के मोहिब नहीं महबूब बन जाओगे। और अगर कहीं कोई लग्जिश हो गई, कोई खता हो गई, कहीं जज्बात की रौ में बहकर कोई गुनाह कर बैठे तो अल्लाह माफ फरमा देगा। अल्लाह बड़ा गफूर है, अल्लाह बड़ा रहीम है। मतलब यह कि रास्ता तुमने ये तय कर लिया हो कि चलना मुझे मोहम्मद के पीछे है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब चलते चलते कभी पांव फिसल गया, कहीं गिर गए, कोई बात नहीं, उठो फौरन, तौबा करो और आगे बढ़ो। तो खता अगर हो भी जाएगी, कहीं लग्जिश हो जाए, कहीं चलते चलते पांव फिसल जाए कीचड़ में, या कोई केले का छिलका आ गया पांव तले, गिर गए, कोई हर्ज नहीं, उठो दोबारा, लेकिन नक्शे कदम जो है मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर चलना। ये इस इत्तबा का जिक्र आया है सूरह आराफ की उन आयात में। आपको मालूम है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब तौरात पर तलब किया गया, कोहे तूर पर तौरात देने के लिए, तो पहले 30 दिन के लिए बुलाया था, फिर 10 दिन का और इजाफा कर दिया गया, 40 दिन हो गए। फतम्मत मीकात रब्बिका अरबईन लैला। इस असना में पीछे फितने में मुब्तला हो गए बनी इसराइल। सामरी, उसने एक ढोंग रचाया और एक बछड़ा जो है वो सोने चांदी का बनाया, वो बछड़ा ढाल कर खड़ा कर दिया। उसमें से कोई थोड़ी सी आवाज भी निकलती थी, कोई ऐसी है कि हवा गुजरती थी तो आवाज से आती थी।
कहा यह है तुम्हारा इलाह, ये तो मूसा तो भूल गया कहां गया है, कोहे तूर के ऊपर किस खुदा से मिलने गया है, खुदा तो ये। और बनी इसराइल के बहुत से लोग इस फरेब में आ गए और बछड़े की पूजा करने लगे। अब जब हजरत मूसा आए, और आपको मालूम है हजरत मूसा का मिजाज जलाली था, वो पत्थर की तख्तियां लेकर आए थे कि जिन पर कोहे तूर पर अल्लाह ताला ने अपने अहकाम अशरा जो है, दी टेन कमांडमेंट्स मशहूर, वो कंधा करके आपको दिए थे, वो हाथ में लेकर आए। यहां मालूम हुआ ये सूरत पेश आ गई है, फालकल अल्वाह, तो वो तख्तियां तो आपने जमीन में डाली, और फिर जो एहतसाब किया है, पहले तो अपने भाई हजरत हारून का, उनकी दाढ़ी के बाल पकड़े, उनके सर के बाल पकड़े और खींचा अपनी तरफ। उसने कहा कि भाई मुझे जलील न करो लोगों के सामने, मैंने इन्हें रोका, लेकिन ये तो मुझे कत्ल करने पर तुल गए थे, और मुझे अंदेशा ये हुआ कि कहीं आप वापस आकर ये न कहें अनफर्रक्ता बैना बनी इसराइल, कि तुमने जो बनी इसराइल के दरमियान तफरका पैदा कर दिया, तो मैंने कहा आप ही वापस आकर निपटे। अब पहली बात नोट कीजिए, तारीख इंसानी का अजीम वाकया है, कई हजार यहूदी अपने अपने कबीले के लोगों के हाथों ज़िबह किए गए। इस पर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और हजरत मूसा ने हुक्म दिया, अल्लाह का हुक्म मूसा ने पहुंचाया कि 12 कबीले ना, हर कबीले के जिन लोगों ने यह हरकत की है उनको उसी कबीले के लोग अपने हाथ से ज़िबह करें। अब ये बहुत बड़ी तौबा थी, बहुत बड़ी तौबा थी, बहुत बड़ी तौबा थी, अपने कबीले के लोगों को कत्ल कर देना। फिर वो 70 नुमाइंदे लेकर तमाम जो बड़े लोग थे कोहे तूर पर हाजिर हुए, इज्तिमाई तौर पर अल्लाह से अफ़ो दरगुदर की दरख्वास्त भी करने के लिए। वहां अल्लाह ने जबरदस्त जलजला भेज दिया, महसूस हुआ अब सब हलाक हो जाएंगे। हजरत मूसा ने कहा परवरदिगार तू चाहता तो मुझे और इस कौम को पहले ही हलाक कर देता, तू हमें निकाल कर लाया है आले फिरौन के पंजों से, तूने हमें निजात दी है, तो परवरदिगार हमारे लिए अपनी रहमत तय कर दे, लिख दे, फक्तुम लना, हमारे लिए तय कर दे, लिख दे अपनी रहमत। उस पर फरमाया अल्लाह ने देखो मूसा मेरी एक रहमत तो आम है, वसीयत कुल शय, रहमत ही वसीयत कुल शय, हर शय के साथ है, और एक मेरी खास रहमत है, वो मैं लिख दूंगा, तय करके रख दूंगा, लिल्लज़ीना यत्तबिउन अर्रसूल अन्नबियल उम्मी, उन लोगों के लिए जो मेरे रसूल नबी उम्मी पर ईमान लाएंगे और उनका इत्तबा करेंगे। यहां भी लफ्ज इत्तबा आया, और इसमें फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ शान बयान हुई है, बात लंबी हो जाएगी। और फिर फरमाया ये गोया कि इत्तबा की तफसीर आ रही है, इत्तबा का मतलब क्या है, फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबअउ नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, तो जो लोग इन पर ईमान लाएंगे और जो उनकी ताजीम करेंगे और जो उनकी नुसरत करेंगे, मदद करेंगे, और जो उस नूर की पैरवी करेंगे जो उनके साथ नाजिल किया जाएगा, तो वही होंगे मुफ्लिहून, वो होंगे कामयाब होने वाले, फलाह याफ्ता लोग वो होंगे जो ये चार रिश्ते हमारे उस रसूल नबी उम्मी के साथ पुख्तगी के साथ कायम कर रहे हैं। ये चार रिश्ते क्या हैं? इत्तेबाए रसूल का तकाजा अव्वल तो इन चार अल्फाज के हवाले से समझिए, फिर जरा एक दूसरे अंदाज में भी बयान करूंगा। फल्लज़ीना आमनू बिही, पहला कदम ईमान, लेकिन ईमान के समझ लीजिए अच्छी तरह दो दर्जे हैं। आप में से बहुत से हजरात को मुझे तवक्को है ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल याद होंगे। ईमान मुजमल क्या है? आमंतु बिल्लाह कमा हुआ बेअस्माए ही व सिफात ही व कबील तो जमी अहकाम ही इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब। पहला दर्जा है इकरारुम बिल लिसान, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह,
कोई हो, हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, यहूदी हो, ये कलमा पढ़े और वो मुसलमान हो गया। इकरारुम बिल्लिसान पर हमारा दुनिया में मुसलमान समझा जाना मौकूफ है, लेकिन असल ईमान ये नहीं है। असल ईमान है तस्दीकुम बिलकल्ब, दिल में यकीन। जब तक दिल का यकीन ना हो ईमान नहीं है। मुनाफिकीन जो थे मदीने के, नमाजें भी पढ़ते थे, हुजूर के इख्तदा में पढ़ते थे, और जो रईसुल मुनाफिकीन था अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल, वो तो पहले सफ में होता था, और जब हुजूर खुतबा देते थे जुमे का तो पहले खुद खड़ा होता था अपनी अहमियत जाहिर करने के लिए। देखो लोगो, ये अल्लाह के रसूल हैं, इनकी बात पूरी तवज्जो से सुनो। ये सिर्फ अपनी चौधराहट के इजहार के लिए कि मैं बड़ी शेर हूं, इसलिए कि वो खजरज का बड़ा सरदार था। औस और खजरज के दो अरब कबीले थे मदीने में, जिनमें से कि खजरज का कबीला बड़ा था, औस का छोटा था, और खजरज का सरदार ये अब्दुल्ला इब्ने उबई था, और इसके बारे में ये तय हो चुका था कि इसे हम अपना बादशाह बना लेंगे। चुनाचे सोने का ताज तैयार हो चुका था, अभी ताज कोशिश सिर्फ बाकी थी कि हुजूर तशरीफ ले आए हिजरत फरमाकर, बेताज बादशाह आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा इसके सारे ख्वाब जो है वो मुंतशिर हो गए, लिहाजा पहले दिन से पक्का मुनाफिक। ईमान लाया अगर से वो भी जरा देर से लाया, गजवाए बदर के बाद लाया। पहले उसने सोचा था अभी तेल देखो, तेल की धार देखो। वो तेल की धार जो नजर आई गजवाए बदर में कि 313 ने 1000 को शिकस्त दी है, और ये निहत्ते थे, तलवारें भी सबके पास नहीं थी, कुछ लोगों के पास तलवारें थी, और वो 1000 कील कांटे से लेस होकर मक्के से आए थे। 70 बड़े बड़े सरदार उनके मारे गए, ऐन मैदान में छेद रहे, और 70 जो है उनके कैदी बन गए। तब उसने कहा कि ठीक है, अब तो ईमान ले आना चाहिए, क्योंकि ये तो मालूम होता बड़ी ताकत है। बहरहाल सबसे पहले मैं कह रहा था कि ईमान, लेकिन ईमान दिल से। कुरान मजीद ने क्या कहा इन मुनाफिकीन के बारे में, इज़ा जाअकल मुनाफिकून कालू नशहदु इन्नकल रसूलुल्लाह। सूरह मुनाफिकून है कि नहीं, 28वें पारे में। ए नबी, जब आपके पास मुनाफिक आते हो कहते हैं हम गवाह हैं, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो उस पर अल्लाह का तबसरा देखिए, वल्लाहु यालमु इन्नकल रसूलु, और अल्लाह खूब जानता है कि आप उनके रसूल हैं उसके। अब मैं जरा तर्जुमा किया करता हूं, अल्लाह से बढ़कर किसको मालूम है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, अल्लाह गवाही देता ये मुनाफिक झूठे। मुसलमान तो वो थे, कलमा गो थे, हुजूर की इमामत में नमाजें पढ़ रहे थे, लेकिन मुनाफिक थे, अल्लाह ने मुनाफिक करार दिया, दिल ईमान से खाली थे, बल्कि होते होते दिलों के अंदर हुजूर से अदावत पैदा हो गई थी, अहले ईमान से अदावत पैदा हो गई थी। इसी सूरह मुबारका में आगे चलकर आता है, हुमुल अदू व फहज़रहुम, असल दुश्मन ये है, ये मारे आस्तीन है। जो काफिर है वो तो बाहर से हमला करते हैं, पता चलता है सामने से आकर लाठी मार रहा है कोई आपको, ये तो आपके आस्तीन के अंदर बैठे हुए हैं मुसलमान बनकर, और ये वहां से डंक मारेंगे, मारे आस्तीन। बहरहाल अब हम में से हर एक को जायजा लेना होगा, अपने गरीबान में झांके, अपने दिल की गहराइयों को टटोले, यकीन वाला ईमान है हमारे पास या नहीं। ये यकीन वाले ईमान का मैं अगर आपको अंग्रेजी में तर्जुमा करके बताऊं तो शायद आप ज्यादा बेहतर समझें, पर्सनल कन्विक्शन। इट्स रेशियल क्रीड। हम एक नस्ल है, अपने वालदैन से हमने कुछ चीजें सीखी है, वालदैन इसमें बिलीव करते थे, अल्लाह रसूल कुरान किताब जन्नत दोज़ख क़यामत, हम भी मानते हैं बस। इट्स रेशियल क्रीड, ये तो एक नस्ली अकीदा है। असल शय जो जरूरी है
पर्सनल कन्विक्शन, अपना यकीन, ज़ाती यकीन, तो सबसे पहले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर यकीन। और मैंने आपको हदीस सुनाई थी अभी, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जेतु बिह, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिश नफ्स ताबे ना हो जाए उस हिदायत के, उस कुरान के, उस शरीयत के, उन अहकाम के जो मैं लेकर आया। अगर ख्वाहिश नफ्स ऊपर है और अल्लाह का हुक्म नीचे है तो मोमिन कहां से हुए थे? अल्लाह के हुक्म से नमाज तो पढ़ते हो, रोजा रखते हो, सूदी कारोबार करते हो और अल्लाह के हुक्म को पांव तले रगड़ते हो, ये क्या इस्लाम है? ये तो वही है, अफतूमिनूना बिबाज़िल किताबे व तकफुरूना बिबाज़, फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिक मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फिल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब। तो सबसे पहला जो जायजा हमें लेना है कि मोहम्मद की रिसालत पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें यकीन है। यकीन तस्दीक तो हम करते हैं, जबान से कहते हैं, लेकिन यकीन, जिस यकीन का नतीजा यह निकले कि फिर नफ्स के सारे तकाजे नीचे हो जाएं और हुजूर की लाई हुई हिदायत, हुजूर की लाई हुई शरीयत पालकर हो जाए। नंबर दो फरमाया वाजरू हो, उनकी ताजीम करें, आपकी जनाब में कोई गुस्ताखी हो जाए ईमान के लाले पड़ जाएंगे तो आखिरत बर्बाद हो जाएगी। उस ताजीम में क्या क्या चीजें शामिल हैं? देखिए सूरह हुजरात में इब्तदाई हिस्से में तफसील से कहा गया, या अय्युहल लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौति नबी वला तजहरू लहू बिल क़ौलि कजहरि बाज़िकुम लि बाज़िन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ए ईमान के दावेदारों, कभी अपनी आवाज को रसूल की आवाज से बुलंदतर न कर देना, मबादा तुम्हारे सारे अमाल हब्त हो जाएं और तुम्हें पता भी ना चले मैंने कोई गुनाह कबीरा तो नहीं किया है, मैंने कोई कुहर तो नहीं किया है। बस यही हुआ ना कि हुजूर की आवाज के मुकाबले में अपनी आवाज को ऊंचा कर दिया। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौति नबी वला तजहरू लहू बिल क़ौलि कजहरि बाज़िकुम लि बाज़िन, बुलंद आवाज से जैसे आपस में बातें कर लेते हो ऐसे कभी बात न कर बैठना। अंतह बता अमालुकुम, के तुम्हारे सारे अमाल हब्त हो जाएं, अकारत चले जाएं, खत्म हो जाएं। वह अंतुम ला तालमून, तुम्हें एहसास भी ना हो कि सारी पूंजी लुट गई। इस आयत का हम पर इतलाक कैसे होगा, कभी सोचा? साहबा किराम तो यकीनन इसके मुखातब अव्वल थे, हम पर कैसे था? अगर हमारी गुफ्तगू हो रही हो, बहस हो रही हो, मैं कुछ कह रहा हूं आप कुछ कह रहे हैं, लेकिन कोई कह दे हुजूर ने यूं फरमाया है, फौरन चुप हो जाओ। अब अगर कहा नहीं मेरा ख्याल ये, अब गोया कि ये हुजूर की आवाज से आपने अपनी आवाज ऊंची, अपना फिक्र, अपना फलसफा, अपना फहम, अपनी सोच, अपनी अकल। हां बाद में तहकीक कर लो, ये जो कहा था कि हुजूर ने फरमाया, फरमाया भी है कि नहीं है, हदीस सही है कि नहीं है, मुस्तनद है कि नहीं है, लेकिन उस वक्त आवाज बंद कर लेना लाजिम होगा कि उसके बाद अकूल नहीं कह सकता मैं ये कहता हूं। उसका तो मतलब यह कि आप बद्दे मुकाबिल बनकर रसूल के आ रहे हैं। तो ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौति नबी वला तजहरू लहू बिल क़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत अमालुकुम वअंतुम ला तशऊरून।